हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है ट्राजेक्टरीज। ट्राजेक्टरीज क्या होती है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं अपन सहछेदी। इसके नाम से ही अपने पास में डिस्क्राइब हो रहा है कि ट्राजेक्टरीज मतलब इसको कोई भी जो अपने का वो फैमिली होती है, यानी फैमिली का जो वक्र का जो कुल होता है, उस वक्र के कुल को कोई पर्टिकुलर दूसरा जो वक्र होता है या वक्र होता है उसको किसी बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करता है, तो वो अपने किसके अंतर्गत आती है, यहाँ पर ट्राजेक्टरीज की फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन की जाती है। ठीक है, तो यहाँ अगर अपने को देखें तो यहाँ पर अपनी सबसे पहले यहाँ पर इसको डेफिनेशन को देखेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन जो है वो इस तरह से लिखी जाएगी कि वह वक्र जो किसी वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को किसी नियम के अनुसार यानी किसी रूल को फॉलो करते हुए वो काटता है, सदस्य को काटता है कोई भी रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे रूल जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर वो उसको काट रहा है कोई भी वक्र को, कोई भी कर्व को, ठीक है, तो यहाँ पे काटता है तो यह वक्र सहछेदी कहलाता है। सहछेदी यानी सबको छेदने वाला, ठीक है ना, सबको प्रतिच्छेदन करने वाला। यहाँ पे जो कर्व होगा वो क्या कहलाएगा, अपना ट्राजेक्टरीज की फॉर्म में यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन यहाँ पे ट्राजेक्टरी की जो डेफिनेशन है उसको यहाँ पर देख सकते हैं। अब ट्राजेक्टरी की डेफिनेशन के बाद में यहाँ पे अपने पास यहाँ पर देखेंगे कि लंब कोणीय ट्राजेक्टरी क्या होती है। लंब कोणीय सहछेदी यानी ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी क्या होती है। देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब है जो ट्राजेक्टरी किसी कर्व को 90 डिग्री के कोण पर अगर काटती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन में अगर अपन लिखना चाहें तो लिखेंगे लंब कोणीय सहछेदी ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, लंब कोणीय सहछेदी। तो इसके अंदर देखिए क्या होगा, अपना लंब कोणीय सहछेदी के अंदर क्या होता है, अगर कोई वक्र किसी वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को समकोण पर काटे तो उसको अपन क्या बोलते हैं, यदि कोई वक्र किसी वक्र कुल के सदस्य को समकोण पर काटे, यानी 90 डिग्री पे अगर उसको प्रतिच्छेद करता है, समकोण पर काटे तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लंब कोणीय सहछेदी यानी ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। लंब कोणीय सहछेदी कहलाता है। ठीक है, तो अपन ने दो डेफिनेशन को यहाँ पे देख लिया, पहली डेफिनेशन ट्राजेक्टरी के बारे में और दूसरी अपन ने ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी के बारे में यहाँ पर देखा है। अब यहाँ पर अपन ट्राजेक्टरी की जो फॉर्म्स होती है अलग अलग, उनको अपन डिफाइन करेंगे कि कौन सी फॉर्म यहाँ पे पोलर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में अपन जो ट्राजेक्टरी है उनकी इक्वेशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए सीधा सा है, यहाँ पे लंब कोणीय अगर कोई ट्राजेक्टरी अगर किसी को काटती है, किसी भी वक्र कुल के सदस्यों को काटेगी, तो अपन सभी जानते हैं यहाँ पे जो उनकी स्लोप होगी, उन स्लोप का जो मल्टीपल्स होगा वो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखिए अपन 11th 12th के अंदर अपन जब पढ़ते हैं स्लोप्स के बारे में, अपन ने वहाँ पे बहुत सारे कार्टेशियन फॉर्म पोलर फॉर्म अपन ने सब डिस्कस किया था, तो वहाँ पे अपन देखते हैं कि कोई भी अगर दो प्लेन आपस के अंदर या कोई भी दो कर्व आपस के अंदर ऑर्थोगोनली काटते हैं, यानी लंब कोणीय काटते हैं, तो उन दोनों की जो स्लोप होती है, उन स्लोप का मल्टीपल
कितना होना चाहिए अपना, माइनस वन ए होना चाहिए। और इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए अपन यहाँ पे जो अपना लंब कोणीय सहचेदी यानी लंब कोणीय जो अपनी ट्राजेक्ट्री है उसका जो अपना कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे एक यहाँ पे एक डेफिनेशन और है, स्वलाम्बिक, स्वलाम्बिक ट्रांजेक्ट्री, स्वलाम्बिक वक्रकुल, सॉरी स्वलाम्बिक वक्रकुल। अब देखिए ये क्या होता है, ऐसा वक्रकुल जिसके प्रत्येक सदस्य एक दूसरे को लंब के रूप में काटते हैं, यानी 90 डिग्री पे काटते हैं, समकोण पर काटते हैं, तो ऐसा वक्रकुल क्या कहलाता है, स्वलाम्बिक वक्रकुल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे किसी वक्रकुल का, किसी वक्रकुल का प्रत्येक सदस्य समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी एक दूसरे को कहाँ पर मिलते हैं, समकोण पर प्रतिच्छेद, अन्य से सदस्यों को या कहें कि प्रत्येक सदस्य समकोण पर काटते हैं या समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, करते हैं तो यह स्वलाम्बिक वक्रकुल कहलाता है। सेल्फ ऑर्थोगोनल कर्व फैमिली स्वलाम्बिक वक्रकुल कहलाता है। इस तरह से अपन इसको यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। तो ये तीन डेफिनेशन थी अपनी ट्राजेक्ट्री के बारे में। अब जो है वो इनकी कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म को डिस्कस करेंगे कि इनकी जो अवकल इक्वेशन अगर अपन फाइंड आउट करते हैं तो उसमें कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म को किस तरह से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए पहले सबसे पहले अपन इसके कार्टेशियन फॉर्म को डिफाइन करते हैं, कार्तीय रूप। कार्टेशियन फॉर्म में इसकी जो अपनी इक्वेशन आती है उसको अपन देखते हैं। अब देखिए कोई भी जो अपनी फैमिली होती है, कर्व की जो फैमिली होती है उसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एफ एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स इजकल्स टू ज़ीरो, यही होता है। कोई भी अगर अपन कर्व लेते हैं या फैमिली ऑफ कर्व लेते हैं तो उसका इक्वेशन अपना यही रहता है। ठीक है, एक्स वाई डिवाई बाई डी एक्स। अब अपन लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कोई एक बिंदु ले लेते हैं जो इस कर्व को क्या करता है, यहाँ पे सॉरी एक दूसरा कर्व ले लेते हैं सी वन जो इसको पी बिंदु पर क्या कर रहा होता है, कट कर रहा होता है। पी बिंदु पर ये इसको क्या करता है, काटता है। देन इस कंडीशन में जो पी होता है उसके में जो निर्देशांक है उसको क्या ले लूँ, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। जो पी बिंदु इसको काट रहा है उसके निर्देशांक मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। तो जो कर्व इसको इस फैमिली ऑफ कर्व को काट रहा है तो उसकी इसकी स्लोप तो क्या है अपनी, डिवाइड बाय डीएक्स है। और इसकी स्लोप क्या होगी अपनी, इसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, कैपिटल डिवाइड बाय कैपिटल डीएक्स होगी। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो कर्व आपस में कट करते हैं तो उनकी स्लोप का और सॉरी ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो उनकी जो स्लोप होती है उनका मल्टीपल्स क्या होता है, माइनस वन ए होता है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय डीएक्स, ये क्या थी, फैमिली ऑफ कर्व की स्लोप होती है। और ये जो अपना जो दूसरा वाला कर्व लिया जो इसको पी बिंदु पर उसको कट कर रहा है उसकी स्लोप मैंने क्या ले ली, डिवाइड बाई डी एक्स ले ली। तो इन दोनों का जो मल्टीपल्स होगा वो कितना होगा मेरा, माइनस का वन होगा। देन इस कंडीशन में अपना जो डिवाइड बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, डिवाइड बाई डी एक्स इजिकल्स टू आ जाएगा माइनस का डी एक्स बाई डी वाई। यहाँ पे स्मॉल एक्स सॉरी कैपिटल वाई है, यहाँ पे स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स है और स्मॉल वाई को कैपिटल वाई से रिमूव किया गया। तो अगर अपन बेसिकली देखें तो जो इसका ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री आएगी तो उस ट्राजेक्ट्री की जो इसका
अवकल इक्वेशन होगा उसको अपन किस तरह से दिखाएंगे, तो लंबकोणीय ट्रांजेक्ट यानी सहछेदी का समीकरण, उसका समीकरण क्या हो जाएगा अपने पास में, जिस बिंदु पे कट कर रहे हैं एक्स वाई और यहाँ पे इसकी स्लोप माइनस डी एक्स वाई डी वाई, ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे जो अपनी ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी होगी उसकी इक्वेशन यहाँ पर अपने को फाइंड आउट हो जाएगी माइनस की फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह से सेम अपन जो है इसके पोलर फॉर्म को भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, तो पोलर फॉर्म के लिए भी मैं सेम ही कंडीशन लगती है अपनी, इसके पोलर फॉर्म को भी साथ में ही डिस्कस कर लेते हैं और उसके आंसर को भी निकाल लेते हैं। तो इसका पोलर फॉर्म देखते हैं अपने, पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म के अंदर देखिए क्या रहता है, पोलर फॉर्म के अंदर कोई भी फैमिली जो होती है उसका जो टेन फाई इक्वल्स टू आर डी आर बाय डी थीटा, ये वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई होती है, ठीक है, सॉरी डी थीटा बाय डी आर उल्टा है, ये किसी भी कर्व ऑफ फैमिली की जो पोलर फॉर्म में इक्वेशन होती है वो ये इस तरह से यहाँ पर लिखी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मान लेती हूँ कि जो पॉइंट यहाँ पर इसको कट कर रहा है उसको मैं कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पे रिप्लेस करती हूँ और यहाँ पर जो है इसको इसका जो इक्वेशन होगा ट्रांजेक्टरी इक्वेशन ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी इक्वेशन उसको किस तरह से डिनोट किया जाएगा, देखिए स्मॉल आर डी थीटा डी आर ये हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगी जो फैमिली ऑफ कर्व है उसकी स्लोप हो जाएगी, और जो अपन ने कर्व जिसको जिसके द्वारा ये कर्व कट रहा है उसको मैंने उसकी जो रेडियस है उसको मैंने कैपिटल आर ले लिया और इसका जो थीटा है उसको मैंने कैपिटल थीटा ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा डी आर, और इन दोनों का जो ये इनकी क्या होती है स्लोप होती है, तो इन स्लोप का जो मल्टीपल्स होगा वो क्या होगा माइनस वन यहाँ पर डिफाइन होगा, तो ये क्या होता है अपने ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी का पोलर फॉर्म जो है वो यहाँ पर डिफाइन होता है, ठीक है। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन ट्रांजेक्टरी के बारे में, जिसको जिसमें अपन ने ट्रांजेक्टरी की कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म को भी अपन ने डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।